उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है। वही ध्वनियों को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं, जब हम अपनी ध्वनियों को लिखते हैं तो वे वर्ण कहलाती है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। ये आपको भी पता है। तो देखते हैं, हम पहले शब्द लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सावन, क्या दिया हुआ है सावन, ठीक है। अब ये पूरा शब्द ही कितनी ध्वनियों से मिला है, बना है, ये छह ध्वनियों से मिलकर बना है। तो हम इसके अलग अलग शब्द के टुकड़े करते हैं। स आ न ग अ, ग के पीछे कौन सा स्वर है, अ का। ल न अ, ठीक है। ये है स। मैंने पहले व्यंजन लिखा है स, स के नीचे अलंत लगा है क्योंकि इसमें से हमने स्वर को हटा दिया है। तीन भागों में बांटा गया है।
वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन भी आपने पहले देख रखे हैं। और यहाँ पर है तीन भेद है वर्णों के, स्वर व्यंजन और अयोगवा। आज हम सिर्फ स्वर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्वर की परिभाषा देखते हैं। स्वर, स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो मुख से जो ध्वनियां निकलती है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वह स्वतंत्र रूप से होता है। यानी कि जब व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है जब, तो हमारे मुख में जीभ जो है कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, लेकिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिन वर्णों को बोलते समय बिना किसी रुकावट के हवा मुंह से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय बिना किसी रुकावट के हवा मुंह से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। जैसे कि बोला आ, आ, तो यहाँ पे सीधी हवा मुंह से बाहर निकली है, हमारे मुंह से कहीं पे भी रगड़ खाके नहीं निकली है। जबकि व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख से जो वायु बाहर निकलती है वो कहीं ना कहीं रगड़ खाके बाहर निकलती है, लेकिन स्वरों का उच्चारण करते समय ऐसा नहीं होता है। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसका उच्चारण करते समय कहीं से भी हमारे जीभ जो है मुंह में मुख में किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, ठीक है। अब है स्वरों के भेद। यह स्वर, स्वर के भेद कितने होते हैं? तीन स्वर के भेद होते हैं।
इनकी संख्या है चार। कितनी है इनकी संख्या है चार। आपके बुक में भी दिया गया है। इनकी संख्या है सात। जैसे कि अ है, इनका उच्चारण करते समय कम समय लगा और ये आ दीर्घ स्वर होता है। क्यों? जैसा कि नाम से ही पता चलता है दीर्घ, तो वैसे इनका उच्चारण आ अ से थोड़ा दुगना समय लगता है। यानी कि दीर्घ स्वरों को जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये सात होते हैं, यानी कि इन स्वरों से इनका उच्चारण करते समय दो गुना समय अधिक लगता है। जैसे अ फटाफट से आ रहा है, फिर है आ, यानी कि अ से थोड़ा ज्यादा समय लगा। ये है ई, ये है सात। एक दो तीन चार पाँच छ सात, ठीक है। ये है ह्रस्व स्वर, ये है दीर्घ स्वर, ठीक है। इनकी संख्या है चार और इनकी संख्या है सात। इन दोनों में क्या है? इनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, यानी कि दीर्घ समय, दीर्घ स्वर जो है इन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, अधिक समय, यानी कि दो गुना समय अधिक लगता है, ठीक है। उसके बाद में है आपके तीसरा प्लुत जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर से तीन गुना समय अधिक लगता है वे होते हैं प्लुत स्वर। यानी कि दीर्घ स्वर में दुगना समय लगा, लेकिन इनमें जो है तीन गुना अधिक समय लगता है और इसका जो चिन्ह है ऐसे एस के जैसे होता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है संस्कृत में ज्यादा होता है।